नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। करनाल के बर्डी बाईपास के पास नए बस स्टैंड पर 3 पुलिस वालों को गोली मारी गई। फायरिंग से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बस स्टैंड पर भी सैकड़ों की भीड़ होती है। पल पल करनाल से सुदेश धानिया की विशेष रिपोर्ट। यमुनानगर से पुलिस द्वारा एक मुलजिम को पेशी के लिए आज करनाल कोर्ट में पेश करना था, जिसके चलते कोर्ट में पहुंचने से पहले ही बर्डी बाईपास के पास नए बस स्टैंड पर मुलजिम के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। एक दो पुलिस वालों को गोली मार करके तीनों बदमाश एक साथ मुजलिम को छुड़ा करके ले गए। बदमाशों ने उन्हीं पुलिस वालों को गोली मारी जिनके पास हथियार थे। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। गनीमत रही कि किसी आसपास में किसी सामान्य व्यक्ति को गोली नहीं लगी। इस समय पुलिस आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है। आरोपियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। आप देखें पल पल की खास रिपोर्ट। हेलो यार, कौन थे ये? जनाब एक चेयर की डाल थी। अच्छा, ले गए तो पेश करने के लिए। अच्छा, जैसे ही यहाँ उतरे वो मोटरसाइकिल पर उन्होंने भड़ भड़ कर सकता है अड्डे में आकर गोली मारी। अपने कितने कर्मचारियों को गोली मारी? दो घायल है दोनों। क्या किया गया? बस एक अस्पताल में ले गए। अच्छा, और मुलजिम छुड़ा के ले गए तो क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? सुबह तक आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? टीम में भेजती है। अच्छा, वो बाइक सवार थे? हाँ जी, बाइक सवार। भाग गए? हाँ जी। आपका पूरा नाम? संजय कुमार। जी सर, अभी सूचना प्राप्त हुई है थोड़े दिन पहले सूचना प्राप्त हुई है। यमुनानगर का एक्यूज था, करनाल सेशन कोर्ट में पेश हुआ था। सुनील एलियस खीरा इसका नाम था। इसको वापस यमुनानगर पुलिस के 3 मुलाजिम थे जो यहाँ से वापस यमुनानगर लेके बस चेंज करने के लिए नए बस स्टैंड पे आए थे। यहाँ जो है तीन लड़के आए, तीनों लड़कों ने आके दो मुलाजिम के ऊपर फायर किया और पेपर स्प्रे भी एक मुलाजिम जिसके पास वेपन था उसके ऊपर स्प्रे किया और उसको साथ उड़ा के। तो मोटरसाइकिल पे आए थे सर? अभी तक जो लोगों ने बताया मोटरसाइकिल पे आए। पुलिस वालों की हालत कैसी है सर? अभी ठीक है, उनके पैर पे गोली लगी है, बाकी हॉस्पिटल। सर, एक बड़ी लापरवाही बस स्टैंड प्रबंधन की, कैमरा ही यहाँ पर नहीं चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, वो आगे इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी फिलहाल रिसर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें सब। तो किस गैंग से था? कोई खास गैंग से था? डिटेल्स आपको दे देंगे।